इंडिया न्यूज़ पंजाब के डिजिटल प्लेटफॉर्म से तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ थोड़े नाल गुरप्रीत सिंह गल करांगे। साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दी जिन्हां दे उत्ते विजिलेंस दे वलों दी शिकंजा कसया गया। जी हाँ, साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नूं आमदन तो जायदाद मामले दे विच आमदन तो वध जायदाद मामले दे विच उन्हां तों पुछगिछ की गई विजिलेंस दे वलों दी। तकरीबन 7 घंटे तक मोहाली स्थित विजिलेंस दफ्तर दे विच पुछगिछ हुई है, जिस दे विच चन्नी तो विजिलेंस दे वलों दी कई सारे तिखे सवाल जो ने किए गए हैं। जिस दे मुताबक जानकारी मिली है कि चन्नी तो यह भी पूछा गया कि वह जो फॉरन दे विच जांदे ने किस दे कोल ठहरते हैं, चन्नी दे पुत्र दे विआह दे विच कितना खर्चा होया सीगा ते वह पैसा कित्थों दी आया। ये तमाम अजिहे सवाल ने जो उन्हां तो पूछे गए। हालांकि साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जदों पुछगिछ तो बाद बाहर निकले तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिता कि उन्होंने जलील करन दी कोशिश की जा रही है, उन्होंने बदनाम करन दी कोशिश की जा रही है। उन्होंने कोई भी आमदन तो वध जायदाद जो है वसीलियां तो वध जायदाद जो है उन्होंने वलों की नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने उत्ते इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने 130 करोड़ रुपए की जायदाद जो है बेनामी जायदाद कह लिए या गलत तरीके दे नाल जायदाद बनाई है उसके प्रूफ पेश किए जाने। इस तो पहला जो मीडिया के मुखातब होए तो उन्होंने कह दिता कि वह दलितों की आवाज़ चुकते रहेंगे ने, आम लोगों की आवाज़ जो ने चुकते रहेंगे ने, कितने ना कितने मौजूदा सरकार जो है उन्हों की आवाज़ को दबाना चाहती है, इसलिए उन्होंने उत्ते झूठा केस पाने की तैयारी जो है वह की जा रही है। हालांकि उन्होंने इसको जलंधर लोग सभा जिमनी चोण के नाल भी जोड़ दिता। उन्होंने कहा कि जलंधर लोग सभा जिमनी चोण के मैं प्रचार ना कर सकता, इस दे लई जो है मेरे उत्ते झूठा केस जो है वो बनाया जा रहा, बनाउण की तैयारी की जा रही है, साजिश जो है वो आम आदमी पार्टी की सरकार वालों पंजाब सरकार वालों रची जा रही है। इत्थे ही बस नहीं, आम आदमी पार्टी के वालों की पंजाब सरकार के वालों की कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा मीडिया के सामने आए तो उन्होंने सीधा सीधा कह दिता कि आखिर चरणजीत चन्नी जो हुण कह रहे हैं कि मैं दलित हाँ मेरे ते कार्रवाई हो रही है, उन्होंने अपने मुख्यमंत्री रहिंदे हुए दलित बच्चों की याद क्यों नहीं आई जिन्हों का वजीफा जो है जिन्हों की वजीफा रकम जो है उन्होंने ही मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ते इल्जाम लगे सन, उदों उन्होंने जाँच क्यों नहीं कराई। उन्होंने कहा कि हरपाल चीमा के वालों भी कहा गया कि चन्नी जो ने गरीब होने का विखावा कर रहे हैं, गरीब होने की ड्रामेबाजी कर रहे हैं, महलों के रेंदे ने, उन्होंने बच्चे जो ने करोड़ों रुपए दिया गड्डिया घूमते हैं। हरपाल चीमा ने सीधा सीधा कह दिता कि जिसने भी भ्रष्टाचार किया उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो जे चन्नी बेदाग ने, जे चन्नी कह रहे हैं कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, किसी भी गलत तरीके का भ्रष्टाचार उन्होंने वालों की नहीं किया गया, तो फिर वह डरते क्यों ने, वो कानून का सामना करन, जे वो बेदाग ने तो पाक साफ होकर सब के सामने आ जाएगा, पर उन्होंने डरना नहीं चाहिए। इस तरह के झूठे इल्जाम जो ने सरकार उत्ते नहीं लगाने चाहिए। चरणजीत चन्नी के वालों यह भी कहा गया कि उन्होंने जान को खतरा है, तो हरपाल चीमा के वालों की यह पूछा गया कि आखिर की विजिलेंस उन्होंने मार देगी। इस उन्होंने कहा कि चन्नी जानबूझ के इस मसले को जो है पखा रहे हैं, जबकि उन्होंने वालों की जो भ्रष्टाचार किया गया उसके जवाब जो ने उन्होंने देने चाहिए ने। खैर, आज की इस जानकारी में इन्ना ही, मैनू दे इजाजत, धन्यवाद।